हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यार मैं सो कर उठ गया था अराउंड 11। मम्मी ने मेरे को चाय दे दी है और मम्मी ने मेरे को नाश्ता भी दिया था, वो मैंने कर लिया। और नाश्ते में तो आलू पूड़ी बहुत दिन बाद खाने को मिली है, वो भी मैंने खा ली जल्दी जल्दी। मैंने पहले कहा सोचा था दो खाऊंगा, फिर मम्मी ने कहा खाए ले, मैंने 5-6 पूड़ी खा ली। अब बस चाय पी रहा हूँ और अपना काम वाम करूँगा। गर्मी बहुत है यार, ना सही था, एसी की भी जरूरत नहीं थी, पंखे की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 2-4 दिन लगेंगे उस चीज़ को भूलने में। चलो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज है ट्यूसडे तो मैं जा रहा था नीचे प्रसाद लेने, एंड यार नैनीताल और दिल्ली के मुकाबले में ना यार दिल्ली बिल्कुल उल्टा हो रखा है। मतलब इतनी गर्मी है वो क्या बताओ। वहाँ बिना पंखे के थे, घूम रहे थे, फिरते आने के, इतना बोरियत लग रही है ना। अब 2 दिन लगेंगे उस चीज़ को ना भूलने में, क्योंकि इंजॉय कर रहे हैं और फिर से वही बोरिंग डे शुरू हो चुकी है ना। तो बोरियत सी हो रही है, इतना मजे कर रहे थे वहाँ पर यार, क्या कर सकते हैं, काम वाम करना भी तो जरूरी है। तो बस अभी प्रसाद लेने जा रहा हूँ, मम्मी सो रही हैं, फिर चाय वाय के लिए बोलूँगा मम्मी से, पर सो कर उठे हैं। चाचा की तो चाय बहुत पी है हमने, अब मम्मी की हाथ की चाय पीते हैं। तो बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। देख रहे हो कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, गर्मी इतनी है, लोग कैसे आएंगे, बेचारे बच्चे झूले कैसे झूले। शाम को यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हो जाएगी, बट अभी तो नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये 3 दोस्त हैं, इनका नाम क्या रख सकते हैं हम, टॉमी, चौमी और पॉमी। ये 3 दोस्त हैं, मज़े ले रहे हैं। और भाई सब बढ़िया है। ये देखो ये तीनों बैठे हैं यहाँ पे शांति से, और कोई नहीं है यहाँ पे। कल तक यहाँ पे जब बादल आ रहे ना, जहाँ पे फुहारी बिल्डिंग, वहाँ पे पहाड़ हुआ करते थे। दिन की मेरी तीसरी चाय आ चुकी है, ये रही। अभी एक दो दिन तक ना चाय पीने का मन करेगा, तो 3-4 बार घर की चाय नहीं पी ना बहुत दिनों से इसलिए, बट उसके बाद नहीं करेगा क्योंकि गर्मी है, इसलिए बाकी कोल्ड ड्रिंक को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ आजकल, आपको पता ही है। जितनी कम हो सके उतनी कम पीता हूँ। अब देखो तो कपड़े सारे, ये सारे धुलने वाले हैं, डेली यूज़ किया है इसको, मम्मी धोएंगी, बट मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था तो मम्मी ने धोई नहीं। अब बाकी ना मुझे बोरियत हो रही है यार आने के बाद, सच बोलूँ तो, बट क्या कर सकते हैं। चलो चाय वाय ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप थोड़ी देर में। गाइस पता है गोलगप्पे खाए मैंने बहुत दिन बाद, मतलब नैनीताल में जो गोलगप्पे खाने को मिले, नहीं बाकी तो सब मैंने खा लेते हैं वहाँ पे, बट एक गोलगप्पे थे ऐसी चीज़ जो मेरे को वहाँ पे खाने को नहीं मिली। और आज डिनर में है राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी, चूरमा होता है बट हमारे घर दाल और बाटी बनती है, या ये दाल बहुत बड़ी होती है और ये बाटी घी में डुबकी भी होती है, पर बहुत टेस्टी होती है। ये एक ओवन में बनती है और तंदूर में बनती है और बहुत अमेजिंग होती है, आटे की होती है। तो चलो मैं ये खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। खाना पीना तो हो चुका गाइस, आज खाने में थी दाल बाटी। मम्मी सो रही होंगे, पैर में दर्द हो रहा है तो शी स्लीपिंग। आपको पता है मैंने एक चीज़ लेकर आया था चंडीगढ़ से, नैनीताल से चंडीगढ़ गलती से निकल गया, पता क्या, बूम 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 गाल पापड़े मैंने बहुत खाया हुआ जी। वो बेहतर कह रहा मेरे लिए लेकर आना, मैं उसके लिए भी लेकर आया था, अभी रखे हैं, पर जब तक वाला तब तक खत्म ना हो जाए, वरना दी और चीकू बहुत मारेंगे। कोई नहीं, चलो गाम पापड़ खाता हूँ, अभी सुबह मिलता हूँ, इसे आज के सुबह को यहीं पेंट करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल नहीं है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।